गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस करियर इंस्टीट्यूट बायोलॉजी में आपका स्वागत है। और अपन आज नई यूनिट स्टार्ट करते हैं, उस चीज़ का नाम क्या है, प्लांट फिजियोलॉजी। उसमें बात करते हैं आज लेक्चर नंबर फर्स्ट की। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अपन को जो है प्लांट फिजियो में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो, प्लांट फिजियो में अपन क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, जिसे नेट में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग कितने 12 मार्क्स के सी पार्ट के अंदर, क्योंकि सी पार्ट के अंदर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 4 मार्क्स का। फिर उसके बाद बात करें प्लांट हॉर्मोन पढ़ेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और इसके अलावा क्या पढ़ेंगे, सेंसरी फोटोबायोलॉजी, नाइट्रोजन एसिमिलेशन या नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी बात करेंगे, सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट या मिनरल न्यूट्रिशन इनकी बात करेंगे, इसके अलावा जो ट्रांसपिरेशन या गटेशन है उनकी बात करेंगे। इसके अलावा और क्या पढ़ेंगे अपन प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर, स्टोमेटल रेगुलेशन और क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस बायोलॉजी। इसके अलावा कुछ और टॉपिक भी है जो अपन किसमें पढ़ते हैं, डेवलपमेंट बायोलॉजी के अंदर, जैसे क्या है सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम का डेवलपमेंट, और क्या पढ़ते हैं फ्लोर का डेवलपमेंट, जिसको एक नाम देते हैं एबीसी मॉडल, जिसे हर बार नेट के अंदर क्वेश्चन आता है। तो अब सबसे पहले आज जो अपना लेक्चर है उसके अंदर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्लांट हॉर्मोन्स। तो देखो, प्लांट हॉर्मोन्स की बात करें तो एक टाइप से क्या है कि मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है। तो प्लांट हॉर्मोन के दूसरे नाम क्या हो सकते हैं, जैसे फाइटो हॉर्मोन, या और क्या बोल सकते हैं इनको, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स पीजीआर, मतलब जो प्लांट ग्रोथ क्या करे, रेगुलेट। अब बात करें दो टाइप के हॉर्मोन है, मेजर हॉर्मोन और माइनर हॉर्मोन। तो देखो, मेजर मतलब जो ज़्यादा रोल प्ले करे, उसमें कौन कौन से हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन जिसको जीबी से लिखते हैं, साइटोकाइनिन जिसको सीके से लिखते हैं, फिर एबीए एब्सिसिक एसिड और क्या है इथाइलिन। 5 तो ये तो क्या है मेजर हॉर्मोन। इसके अलावा माइनर हॉर्मोन की बात करें, इसमें आता है जैस्मोनिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, पोलियामाइंस, ब्रेसिनोस्टेरॉइड और स्ट्रिकोलैक्टोन। तो इन सब की अपन स्टडी करेंगे, सबका जो रोल है वो देखेंगे, इसके अलावा सब में सिग्नलिंग को देखेंगे। अब इसके बाद बात करें तो सबसे पहले इन सब हार्मोन का बेसिक पढ़ते हैं कि जैसे एक होता है पोलर ट्रांसपोर्ट, एक होता है नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। पोलर ट्रांसपोर्ट की बात करें, ये क्या हो सकता है, या तो ये बेसिपिटल हो सकता है, मतलब बेसिपिटल ट्रांसपोर्ट हो सकता है, मतलब बेस की तरफ जाए, रूट की तरफ जाए, क्योंकि रूट को क्या बोलते हैं, बेस, और सूट को बोलते हैं अपेक्स। और एक क्या हो सकता है, एक्रोपिटल, मतलब ऊपर की तरफ, अपेक्स की तरफ जो ट्रांसपोर्ट है उसको बोलते हैं एक्रोपिटल ट्रांसपोर्ट। और दोनों ही किसके टाइप है, पोलर ट्रांसपोर्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिपिटल कौन सा होता है, एक्रोपिटल कौन सा होता है। तो बात करें जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो लगभग तो क्या होता है, बेसिपिटल होता है, मेजर ट्रांसपोर्ट तो क्या होता है, बेसिपिटल। और ऑक्सीजन क्या दिखाता है, यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, मतलब एक डायरेक्शन की तरफ ट्रांसपोर्ट। इसके अलावा बात करें तो ये इसमें दोनों हो सकते हैं, एक्रोपिटल भी हो सकता है और बेसिपिटल भी हो सकता है, किसके अंदर, रूट के अंदर। अब इसके बाद बात करें नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट की, तो देखो नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट किस किस में हो सकता है, मतलब ऊपर जाए, नीचे जाए, या इधर लेफ्ट की तरफ, राइट की, कैसे भी ट्रांसपोर्ट हो उसको बोलते हैं नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें कौन कौन से हॉर्मोन आते हैं, जीए जिबरेलिक एसिड, एबी एब्सिसिक एसिड, सीके साइटोकाइनिन और इथाइलिन, इनका क्या होता है, नॉन पोलर ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद बात करते हैं कि पॉजिटिव रेगुलेटर कौन से हैं और नेगेटिव रेगुलेटर कौन से हैं। देखो, पॉजिटिव रेगुलेटर कौन कौन से हैं, 3 हैं, ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। मतलब पॉजिटिव रेगुलेटर का मतलब है जो ग्रोथ को प्रमोट करे, तो ऑक्सिन, जिबरलिन और साइटोकाइनिन। नेगेटिव रेगुलेटर मतलब जो ग्रोथ को इनहिबिट करे, इसमें आता है एबी और इथाइलिन। अब इसके बाद बात करें, एक तो होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। देखो, जाइलम से जल का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम से फल का, फल मतलब फूड, फ्लोएम का किससे ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। अब हॉर्मोन की बात करें तो जाइलम के थ्रू तो कौन कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, सीके, साइटोकाइनी और इथाइलिन। फ्लोएम की बात करें तो इसमें ऑक्सिन, जिबरलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड, तो ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, फ्लोएम के थ्रू। अब इसके बाद बात करें कि जो पाथवे है, मतलब कौन से अमीनो एसिड से क्या बनेगा, मतलब कौन से जो मॉलिक्यूल है उससे कौन सा हार्मोन बनेगा, तो इसको बोलते हैं बायोसिंथेटिक प्रीकर्सर मॉलिक्यूल। बायोसिंथेटिक मतलब बनना, प्रीकर्सर मतलब जो हार्मोन है वो किस से मिलके बना होता है, किस अमीनो एसिड या किस कंपाउंड से मिलके बना होता है। तो इनमें सबसे पहले देखते हैं जो अमीनो एसिड से बनते हैं, जैसे जो ऑक्सिन हार्मोन है वो किससे बनता है, ट्रिप्टोफैन से बनता है, और ट्रिप्टोफैन को लिखते हैं अपन डब्ल्यू से। जो इथाइलिन है वो बनता है मिथियोनिन से, जिसको लिखते हैं एम से। अब बात करें ऐसे हॉर्मोन जो किससे बनते हो, आइसोप्रिनोइड कंपाउंड से, इसको लिखते हैं आईपीपी। तो इसके एग्जांपल क्या है, जिबरेलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, ब्रेसिनोस्टेरॉइड और साइटो।
काहे नहीं। फिर इसके बाद बात करें लिपिड्स की, मतलब ऐसे हॉर्मोन जो लिपिड से बने, तो देखो एक आता है इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड से बनता है, और ये क्या एक अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है। अनसेचुरेटेड मतलब जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड। तो अल्फा लिनोलेनिक एसिड से कौन बनता है, जेसमोनिक एसिड। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद अपन क्या करते हैं, जो सबसे पहला अपना हार्मोन है ऑक्सिन, उसकी बात करते हैं। उसमें ये कैसे डिस्कवर हुआ, वो क्या क्या काम करता है, और इसकी कैसे सिग्नलिंग चलती है। तो अब देखो ऑक्सिन का मतलब होता है, देखो ऑक्सिन का मतलब ही क्या होता है, इंक्रीज करना, बढ़ना। तो पहले ना साइंटिस्ट ने क्या किया, कुछ एक्सपेरिमेंट किए। जैसे सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट आए, चार्ल्स डार्विन और फ्रेंसिस डार्विन आए 1880 के अंदर। उन्होंने क्या किया, एक कैनेरी ग्रास लिया, जिसको साइंटिफिक क्या बोलते हैं, फेलेरिस कैनेरियनसिस। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ये देखा जो कैनेरी ग्रास है उसकी कोलियोप्टाइल, मतलब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे अपने क्या रखी, यूनि डायरेक्शनल लाइट रखी, मतलब ओनली इस डायरेक्शन में क्या रही है लाइट। तो क्या हुआ, जो ये कोलियोप्टाइल वाला पार्ट है ये क्या हो गया, बेंड। कोलियोप्टाइल क्या हो गई, कोलियोप्टाइल की बेंडिंग हो गई। इसके बाद इन्होंने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया कि मान लो जो ये ऊपर वाला कोलियोप्टाइल है इसको डीकैपिटेशन कर दिया, मतलब यहाँ से रिमूव कर दिया, कट कर दिया। फिर इनको क्या दी, यूनि डायरेक्शनल लाइट, तो बेंडिंग नहीं हुई, मतलब जो कोलियोप्टाइल है वो बेंड नहीं हुआ, मुड़ा नहीं। तो इसका कॉन्क्लूजन क्या हुआ कि एक केमिकल प्रेजेंट होता है कोलियोप्टाइल की टिप के ऊपर, जो लाइट को रिसीव करता है और उसके प्रति क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है, बेंड करता है। ये पहला एक्सपेरिमेंट था। फिर उसके बाद क्या हुआ, कुछ और एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट आए, जैसे कि वेंट। तो जो वेंट है उसने किसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एवेना सेटाइवा के ऊपर, जिसको और क्या बोलते हैं अपन, ओट। इन्होंने वैसे जो मेन क्रेडिट है वो इनको ही जाता है, इन्होंने क्या किया, लगभग एक्चुअल डिस्कवरी की, उन्होंने उसका नोमनक्लेचर किया, नाम रखा कि ये क्या है, ऑक्सिन। और क्या किया, इसका आइसोलेशन किया, मतलब उसको वहाँ से निकाला और एज ए केमिकल उसको स्टोर किया। तो जो केस फर्स्ट है वो क्या, उन्होंने सबसे पहले जो किया था वो सेम किया था, कि जो ये वाला था जो कोलियोप्टाइल है उसको यूनि डायरेक्शनल लाइट दी और कोलियोप्टाइल क्या हो गया, बेंट। सेकंड जो केस है वो बात करते हैं, ये मान लो जो ओट है उसकी क्या है, ये कोलियोप्टाइल है, कोलियोप्टाइल है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जो ये जो कोलियोप्टाइल है इसको रिमूव कर दिया, कट कर दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या रखा, एगेरोस जेल का। एगेरोस जेल क्या करता है कि जो केमिकल है उसको डिफ्यूज होने से रोकता है, ये बस में। फिर इसको अपन ने क्या दी, यूनि डायरेक्शन लाइट दी, तो बेंडिंग हुई, वैसे बेंडिंग हुई, ये बस में आई। फिर इसके बाद क्या किया कि थर्ड इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो कोलियोप्टाइल है उसको हटा दिया, डीकैपिटेशन कर दिया, और फिर इसको दी यूनि डायरेक्शन लाइट, तो बेंडिंग नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, जो केमिकल है वो डिफ्यूज कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तभी तो यहाँ क्या हुई थी, बेंडिंग, ये बात समझ आई। ये था सेकंड एक्सपेरिमेंट। अब बात करते हैं थर्ड एक्सपेरिमेंट की, जो किसने किया था, बॉयसन एंड जॉनसन ने, बॉयसन एंड जेनसन ने। यहाँ क्या होता है, जो ऑक्सीन है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब यहाँ सिमिलरली क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड, समान रूप से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। और ये मान लो यहाँ पे क्या है, हमने यूनि डायरेक्शन लाइट दी, तब क्या हुआ, जो ऑक्सीन है वो इस तरफ आ गया, और क्या हुआ, यहाँ पे जिस तरफ ऑक्सीन होता है उससे सेल इलोंगेशन होता है, मतलब जो सेल है वो साइज में बढ़ जाती है, और यहाँ से क्या करती है, बेंडिंग, तो सेल इलोंगेशन टेक्स प्लेस। फिर उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो है, जिस साइड लाइट थी यूनि डायरेक्शन लाइट, उस साइड क्या रखा, माइका पीस रखा। तो जो माइका पीस है वो ऑक्सीन के डिफ्यूजन को रोकता है, मतलब डिफ्यूज एक जगह से दूसरी जगह जो ऑक्सीजन जाता है उसको माइका पीस रोकता है। तो इससे क्या हुआ, इस साइड तो डिफ्यूजन नहीं हुआ लेकिन इस साइड हो गया, तो जिस साइड ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो गया उस साइड क्या हुआ, मोर ग्रोथ हुई और क्या दिखी, बेंडिंग। अब मान लो माइका पीस को इस साइड रखा, ये वैसे में तो इस साइड ही तो ऑक्सीजन था, मतलब जो डार्क वाली साइड है उस साइड ही तो क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट हुआ, मतलब उसका डिफ्यूज नहीं हुआ, तो बेंडिंग नहीं हुई। जो माइका पीस है वो ऑक्सीजन के डिफ्यूजन को रोकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन होता किस साइड है, डार्क साइड, ये पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो दो टाइप का है, एक तो नेचुरल ऑक्सीजन जो मतलब नेचर में मिलते हैं आराम से, और आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो हुमन ने बनाए हैं। तो नेचुरल ऑक्सीजन में बात करें तो तीन है, इंडोल एसेटिक एसिड IAA, जो और क्या बोलते हैं इसको, बायो एक्टिव ऑक्सीजन बोलते हैं, मतलब यही मेन रोल प्ले करता है। इसके अलावा क्या है, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड IBA। इसके अलावा क्या है, फिनाइल एसिटिक एसिड PAA। तो ये तीन क्या है, नेचुरली प्रेजेंट ऑक्सिन। फिर इसके बाद बात करें,
आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की, तो इसमें नाम आता है एक 2,4-D, 2,4-डाइक्लोरोफिनोक्सीएसिटिक एसिड। उसके अलावा एक नाम आता है 2,4,5-D, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनोक्सीएसिटिक एसिड। ये दोनों अगर हाई कंसेंट्रेशन में हो, मतलब अमाउंट ज़्यादा हो इनकी, तो एज ए हर्बिसाइड काम कर सकते हैं, मतलब जो खेतों में जो हर्ब्स मिलते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें नाम आता है डाइकाम्बा, जिसके फुल फॉर्म होते हैं 2-मीथोक्सी-3,6-डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड। इसके अलावा और क्या आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, NAA, एसिटिक एसिड। तो ये जो चारों है वो क्या है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन है, जिसको किसने बनाया था, वो मन। अब इसके बाद बात करें ऐसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, मतलब जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है उसको कौन इनिबिट करता है, मतलब ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टर के कौन इनिबिटर है। तो जो ऑक्सीजन के जो ट्रांसपोर्ट के जो इनिबिटर होते हैं उसको अपन नाम देते हैं फाइटोट्रोपिक। तो ये भी पूछ लेते हैं नेट के अंदर। अब ये इनिबिटर दो टाइप का, एक तो नेचुरली इनिबिटर और आर्टिफिशियल इनिबिटर। ये तो नेचर में प्रेजेंट होते हैं और ये ह्यूमन के द्वारा बनाए हुए। तो नेचुरल इनिबिटर में नाम आता है फ्लेवेनोइड, और फ्लेवेनोइड में भी दो हैं, क्यूरिसिटिन और जेनिस्टिन। आर्टिफिशियल इनिबिटर की बात करें तो इसमें नाम आता है एक टीबा, 2,3,5-ट्राईआयोडोबेंजोइक एसिड, और एक आध नाम आता है नेफ्थेलिन, नेफ्थेलेमिक एसिड। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे बायोसिंथेसिस की लोकेशन, मतलब जो ऑक्सीजन है वो बनता कहाँ है। तो देखो बायोसिंथेसिस की लोकेशन बात करें, मतलब ऑक्सीजन कहाँ बनता है, तो सेम में बन सकता है, सूट एपिकल मेरिस्टेम में, रैम में बन सकता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम में, यंग लीव्स मतलब जो अभी भी लीव्स बनी है उनमें बन सकता है, कोई सीड अब डेवलप हो रहा है उसमें ऑक्सीजन बन सकता है, और जो फ्रूट्स है डेवलपिंग उनमें भी बन सकता है। अब बात करें इंट्रा सेलुलर लोकेशन, मतलब सेल के अंदर उसकी लोकेशन कहाँ होती है और कैसे होती है। तो देखो इसमें दो ऑक्सीजन है, एक तो फ्री ऑक्सीजन और एक कंजुजेटेड ऑक्सीजन। तो जो फ्री ऑक्सीजन है वो कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट का दूसरा नाम प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट में मिल सकता है और साइटोसोल में मिल सकता है। साइटोसोल क्या होता है, साइटोप्लाज्म ही होता है, बस उसमें ऑर्गेनेल्स काउंट नहीं करते। फिर इसके अलावा बात करें कंजुजेटेड ऑक्सीजन की, तो ये एक्सक्लूसिवली मतलब ओनली एंड ओनली किस में मिलता है, साइटोसोल के अंदर। इसमें दो फॉर्म्स है, एक तो है IAA+ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो क्या होता है, कम एज कम्पेयर टू ग्लाइको प्रोटीन। और क्या मिल सकता है, IAA+ ग्लाइको प्रोटीन। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, इसका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद बात करें इन पाथवे की, बात करेंगे कि कैसे बनेगा। फिर इसके अलावा यहाँ पे एक नाम है फाइटोट्रोपिन, ये बता दिया था। फाइटोट्रोपिन की बात करें तो ये इनिबिटर है, तो ये इनिबिट करता है इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन, मतलब ऐसी प्रोटीन जो बाहर कुछ लेके जाए। जैसे इनमें देखो सब में अंदर आ रहा है, लेकिन इसमें कहाँ आ रहा है, बाहर। तो इस जो बाहर लेके जाता है उसका नाम क्या है, स्पेशल पिन प्रोटीन। तो पिन प्रोटीन का काम ही क्या है, बाहर लेके जाना। तो जो फाइटोट्रोपिन है वो इसको क्या करता है, इनिबिट। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो दोनों टाइप से हो सकता है, एक्रोपिटल अपेक्स की तरफ, पेसिपिटल बेस की तरफ, मतलब सूट की तरफ भी हो सकता है और रूट की तरफ भी हो सकता है। लेकिन रूट में क्या होता है, दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद बात करें कि जो ऑक्सीजन है वो बनता कैसे, चार पाथवे, IPA पाथवे, TAM पाथवे, IAN पाथवे, IAM पाथवे। तो इन सारों को बोलते हैं ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट पाथवे, मतलब इन सब में किसका यूज़ हुआ है, ट्रिप्टोफैन का। वैसे पता है ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, ट्रिप्टोफैन, जिसको W से लिखते हैं। IPA पाथवे की बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या है, ट्रिप्टोफैन है। फिर यहाँ आता है ट्रिप्टोफैन ट्रांस एमिनेस, ये क्या करता है, डीएमिनेशन करता है, NH2 को रिमूव करता है। तो क्या होता है, इससे क्या बन जाता है, इंडोल-3-पाइरुविक एसिड, जिसको बोलते हैं IPA। फिर इसके बाद आता है IPA डीकार्बोक्सिलेज, मतलब जो CO2 को रिमूव करे, यहाँ से CO2 रिमूव हो जाएगी, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सीलेशन। फिर इसके बाद क्या बनेगा, इंडोल-3-एसिटाल्डिहाइड। फिर कौन आता है, इंडोल-3-एसिटाल डीहाइड्रोजिनेज आता है, तो क्या करेगा, डीहाइड्रोजिनेशन करेगा, और इससे क्या बन जाएगा, IAA इंडोल-3-एसिटिक एसिड। और यही अपना क्या है, आगे जाके ऑक्सीजन की तरह काम करेगा। तो सबसे पहले डीएमिनेशन होता है, फिर डीकार्बोक्सिलेशन होता है, फिर डीहाइड्रोजिनेशन होता है। ये बहुत सारे प्लांट के अंदर देखने को मिलता है। सेकेंड पाथवे की बात करें तो ये TAM पाथवे, इसमें क्या होता है, ट्रिप्टोफैन सबसे पहले क्या आएगा, डीकार्बोक्सिलेज, तो क्या करेगा, CO2 को रिमूव करेगा, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, तो इसे क्या बनेगा, ट्रिप्टोअमीन। फिर इसका हुआ डीएमिनेशन, मतलब अमाइन जो ग्रुप है वो रिमूव होगा, कौन करेगा, ये अमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम करेगा। फिर इससे क्या बनेगा, इंडोल-3-एसिटाल्डिहाइड। फिर कौन आएगा, डिहाइड्रोजिनेज आएगा, तो क्या करेगा, डिहाइड्रोजिनेशन,
और क्या बनेगा, IAA इंडोर थ्री एसिटिक एसिड। इंडोर थ्री एसिटिक एसिड। और ये दोनों पाथवे जो है बहुत सारे प्लांट में देखने को मिलता है। जो थर्ड पाथवे उसका नाम है IAN पाथवे, जिससे क्या होता है, पहले ट्रिप्टोफैन, फिर उससे क्या बनेगा इंडोल थ्री एसिटोनाइट्राइल, जिसको लिखते हैं IAN से। फिर कौन आता है नाइट्रिलेस, जिससे फिर क्या बनेगा ये IAA, जो अपना क्या है ऑक्सीन। ये किस किस में देखने को मिलता है, मस्टर्ड फैमिली में मिलता है, और मस्टर्ड किसका एग्जाम्पल है, ब्रेसी केसी फैमिली का। और जो पाथवे की बात करें उसका नाम है IAM पाथवे, जिससे क्या होता है ट्रिप्टोफैन से पहले क्या बनेगा, तो इसमें एंजाइम आता है ट्रिप्टोफैन टू मोनोऑक्सीनेज, जो क्या बनाता है IAM बनाता है इंडोल थ्री एसिटामाइड। फिर कौन आता है हाइड्रोक्सिलेज आता है IAM हाइड्रोक्सिलेज, जो क्या बना देता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड। ये किस में देखने को मिलता है ये वाला पाथवे, एग्रोबैक्टीरियम ड्यूमिफेसिस। तो ये चारों पाथवे आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पाथवे, IPA पाथवे। देखो इसमें सबसे पहले IPA बना, इसलिए IPA पाथवे, ये बस नहीं, और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन अमीन बना इसलिए TAM पाथवे, यहाँ पे IAN बना इसलिए IAN पाथवे, और यहाँ IAM बना पहले तो IAM पाथवे। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद बात करेंगे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टर कैसे कैसे हो सकता है। तो देखो रैपिड पाथवे जल्दी भी हो सकता है, स्लो पाथवे स्लो भी हो सकता है। रैपिड पाथवे की बात करें लॉन्ग डिस्टेंस मतलब बहुत दूरी तय करता है, जैसे सोर्स टू सिंक जाते हैं, मतलब मान लो कोई लीफ है उससे कहाँ तक चला गया, रूट तक। इसमें प्रोटोनेटेड फॉर्म में होता है, प्रोटोनेटेड मतलब एच प्लस जुड़ा रहता है, तो आइए क्या है इंडोल एसिटिक एसिड मतलब ऑक्सीजन ही है, तो इसके साथ क्या जुड़ा रहेगा एच। इसमें क्या होता है जैसे मान लो ये क्या है अपनी सेल वॉल, और बीच में क्या है ये सेल्स, सेल्स के बाहर क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो IAH है ऑक्सीजन है वो सिर्फ बाहर बाहर ऐसे मूव करेगा सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में, सेल के अंदर नहीं जाएगा। तो इसी पाथवे को क्या बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। इसमें कोई भी ट्रांसपोर्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना तो इन्फ्लक्स मतलब अंदर लेने के लिए, ना बाहर ले जाने के लिए इफ्लक्स कैरियर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेल के अंदर ये जाता ही नहीं है। और ये क्या है पैसिव ट्रांसपोर्टर है, मतलब यहाँ पे ATP एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करें स्लो पाथवे की, तो स्लो पाथवे में क्या होता है छोटी दूरी तय करता है, शॉर्ट डिस्टेंस, सेल टू सेल जाता है, सेल के अंदर से जाता है। इसमें दो फॉर्म है प्रोटोनेटेड और डी प्रोटोनेटेड फॉर्म। देखो प्रोटोनेट मतलब एच प्लस जुड़ा हो तो IAAH, डी प्रोटोनेट फॉर्म मतलब IA- मतलब एच प्लस जुड़ा नहीं हो। तो इसमें देखो इसमें बात करें तो जो IAH और IA- ये सेल टू सेल जाएगा, तो जो सेल टू सेल जाता है उसको बोलते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टर है उनकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि इसको अंदर भी लाना है और सेल के बाहर भी लेके जाना है, मतलब इन्फ्लक्स भी चाहिए और रिफ्लक्स भी चाहिए। और रिफ्लक्स कैरियर का नाम क्या है पिन प्रोटीन। और क्या ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब ATP एनर्जी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। तो ये क्या है स्लो पाथवे। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो एक्चुअली में होता कैसे है। तो उससे पहले कुछ बेसिक पता होना चाहिए कि मान लो pH ज़्यादा है, तो देखो pH ज़्यादा है तो वहाँ एच प्लस क्या होगा कम, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एच प्लस कम है मतलब वो क्या है, मतलब बेसिक है, तो मीडियम मान लो एच प्लस कम है, तो जो IA- है IA वो क्या बोलता है मैं अपने एच प्लस मीडियम में दे दूंगा, तो IA- IA क्या हो जाएगा IA-, मतलब वो IAH है वो अपने एच प्लस दे के किस में कन्वर्ट हो जाता है IA- में। अब मान लो pH क्या है कम, pH कम का मतलब वो एसिडिक है, मतलब एच प्लस क्या है ज़्यादा, तो मीडियम एच प्लस ज़्यादा है, तो IA क्या बोलता है मैं एच प्लस ले लूंगा मीडियम से, तो ये चेंज हो जाता है IAH। ये तो है प्रोटोनेटेड और ये है डी प्रोटोनेटेड। अब इसके बाद बात करें कि मान लो क्या होता है ये सेल है, अब इसके अंदर आना है और किसी को बाहर जाना है, तो होता क्या है कि अंदर आने के लिए क्या होता है यहाँ पे इन्फ्लक्स कैरियर प्रोटीन होता है, जिसका नाम क्या होता है ऑक्स1, या और नाम क्या हो सकता है 2H+ IA- सिम्पोर्टर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, जितने इधर जितने उधर, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है प्रेजेंट। तो इससे क्या होता है 2H+ अंदर आते हैं और IA- कहाँ आता है अंदर। अब बात करें कि इस सेल से बाहर जाना है, सिम्प्लास्ट पाथवे में होता है ना सेल टू सेल जाता है, तो बाहर जाना है उसके लिए क्या चाहिए इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन चाहिए, जिसका नाम क्या होता है पिन प्रोटीन। ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब ऐसे नहीं है कि समान रूप से जितने इधर उतने उधर होंगे, ये बस नहीं, तो इसका क्या होता है एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और बॉटम साइड प्रेजेंट होता है, सेल के नीचे वाले पार्ट में क्या होता है प्रेजेंट। तो इससे क्या होता है IA- कहाँ है सेल से बाहर जाता है। अब इसके बाद बात करें कि ट्रांसपोर्ट होता कैसे एक्चुअली में, तो ये मान लो अपना क्या है सेल वॉल, ये क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है सेल। तो
मान लो सेल के अंदर तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, तो उसकी पीएच होती है 7.2 से 7.4, और जो बाहर है सेल वाला और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच वाला, तो इसमें होती है 4.5 से 5 तक। तो यहाँ क्या होता है, ये जो पीएच है वो क्या है, कम। पीएच कम मतलब एच प्लस क्या है, ज़्यादा। एच प्लस ज़्यादा है इसका मतलब जो आई है वो एच लेने का मीडियम से, तो आई एच बन जाएगा, ये बस मैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है ओक्स वन, मतलब जो इनफ्लक्स वाला है उससे आई ए माइनस कहाँ आता है, अंदर। तो आई ए माइनस अंदर आ गया और 2H+ भी कहाँ गया, अंदर। और जो आई एच है वो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, तो वो सीधा अंदर आ गया। और अंदर आके क्या होता है कि मीडियम यहाँ पे देखो क्या है, पी एच 7.2 से 7.4 है, मतलब बेसिक है, मतलब पी एच ज़्यादा है, तो एच प्लस यहाँ क्या होंगे, कम। ये जो है आई एच वो अपने एच प्लस मीडियम में दे देगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आई ए माइनस में, और किस में, एच प्लस में। एच प्लस कहाँ आ गया, मीडियम में। अब क्या होता है, यहाँ पे एक और ट्रांसपोर्टर होता है जिसका नाम है एच प्लस ए टी पेज। इससे क्या होता है, एच प्लस बाहर आता है, कौन आता है, एच प्लस बाहर आता है, जो ए टी पी है वो ए टी पी प्लस फॉस्फेट पी आई में टूट जाता है, मतलब यहाँ पे ए टी पी की जरूरत पड़ती है। और क्या होता है, अब मान लो जो आई ए माइनस को उसको सेल से बाहर जाना है, तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, पिन प्रोटीन होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, आई ए माइनस कहाँ आता है, सेल से बाहर। ये सेल टू सेल हो रहा है, यही क्या है, सिम्प्लास्टिक पाथवे। अब इसके बाद बात करें जो ओक्स वन है, मतलब जो इनफ्लक्स वाला है, वो क्या होता है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब डायरेक्टली एटीपी को यूज़ नहीं करता, किसी और की एनर्जी यूज़ करता है। यहाँ पे दो पॉइंट है, सूट और रूट। देखो सूट में तो फोटोट्रोपिज्म देखने को मिलता है पॉजिटिवली, और जियोट्रोपिज्म नहीं मिलता। सूट किसके प्रति रिस्पॉन्ड करेगा, लाइट के प्रति, लाइट मतलब फोटोट्रोपिज्म की तरफ, जिस तरफ लाइट उस तरफ मूव करेगा, बैंड करेगा। जियोट्रोपिज्म का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन की बात करते हैं यहाँ पे, मतलब वाटर जिस साइड होगा उस साइड रूट मूव करेगी, लेकिन ये सूट में देखने को नहीं मिलता। रूट में क्या होता है, जियोट्रोपिज्म पॉजिटिवली होता है, मतलब इसका मतलब क्या है कि मान लो अगर वाटर है तो अपनी रूट को मूव करेगा ज़मीन के ऊपर, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और बात करें फोटोट्रोपिज्म की, तो ये क्या होता है, नेगेटिवली, मतलब इसमें जो लाइट के प्रति है वो रूट मूव नहीं करेगी। इसके नाम यहाँ पे नाम देखा है पिन वन, और पिन वन से पिन एट होती है, मतलब ई फ्लक्स कैरियर प्रोटीन, जो सेल से बाहर लेके जाए शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो उसमें आते हैं पिन प्रोटीन्स। तो अगर मान लो किसी को ऊपर से नीचे जाना है, अप से डाउन, तो उसमें आते हैं पिन वन और फोर। डाउन नीचे से ऊपर की तरफ, डाउन से वो अप जाना है तो पिन टू। लेटरल ट्रांसपोर्ट दाएँ और बाएँ की तरफ जाना है तो पिन थ्री और सेवन। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन किसके बात करेंगे, इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस की बात करेंगे, और इसकी ऑक्सीजन की जो सिग्नलिंग है उनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। RS Karian इंस्टीट्यूट बायोलॉजी, एंड थैंक यू बच्चों।